हूँ सलमा जैदी, वेलकम टू माय चैनल सलमा जैदी किचन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल को काट कर लिया है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो वेजिटेबल इसमें डालें। मैं इसे प्रेशर कुकर में इसे गला लेती हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया है, अब इसमें मैंने कटा हुआ ये गार्लिक मैं इसे डाल रही हूँ, इसे फ्राई करूँ। फिर मैं इसे कटे हुए इस तरह से प्याज ला दी, इसे भी मैं फ्राई करूँ। ये देखिए मेरे प्याज हो गई है, मैंने इस तरह का शिमला मिर्च और मिर्च कट कट लिया है, ये मैं इसे डाल दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। साथ में मैं इसे कटे हुए टमाटर है ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह का सब्जी को गला लिया है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर और नमक डाल दिया है, इसे मैं मिक्स कर दूंगी। और इस तरह का बेटर मैं इसे मैश कर देती हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए मैंने इस तरह से करके सारा इस तरह से मेरा गल गया है, मैंने इस तरह से मैश कर लिया है, सारा वेजिटेबल मेरा अच्छी तरीके से गल गया है। ये देखिए मेरा गल चुका है, ये सारा मेरी भाजी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें पाव भाजी मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरा पाव भाजी मसाला है, ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें एक कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मैं इसमें एक कप पानी डालूंगी और हरा धनिया डाल दूंगी, इसे मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मेरी भाजी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं ऊपर से ये बटर ऐड कर दे रही हूँ। ये देखिए मेरा भाजी बिल्कुल रेडी हो गई है, अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ और पाव रेडी कर लेती हूँ। थोड़ा पाव टोस्ट कर लेती हूँ, मैं इसमें बटर ऐड कर दे रही हूँ और इसे थोड़ा फ्राई कर दूँगी, थोड़ा टोस्ट कर दूंगी इसे। ये देखिए मेरा गर्मा गर्म पाव भाजी रेडी हो गया है, मैंने ऊपर से बटर डाल दिया है। ये देखिए मेरा गर्मा गर्म रेडी हो गया है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय।